किरण, किरण इधर आना। क्या हुआ सर? कंप्यूटर के साथ कोई मसला हो गया, देखो क्या हुआ इसे। इस बेचारे के साथ आप क्या कर रहे हैं और ये इतना गंद क्यों फैलाया हुआ है? हमारी ये गेस्ट जो अगली आ रही है उसके लिए मैं रिसर्च कर रहा हूँ, सवाल बनाने हैं मैंने। अच्छा, तो आपसे एक भी काम ढंग से नहीं होता, इतने काम चोर हो गए ना आप, पता नहीं क्या हो गया। ये सारे काम तुम्हें करने चाहिए जो मैं कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, फिर सवाल बना रहा हूँ, क्या क्या कर रहा हूँ, ये सारे काम तुम्हारे हैं। एक्सक्यूज मी, आप मुझे पैसे देते हैं जो मैं काम करूँ? नहीं ना, चलें फिर भी कर देती हूँ, बताएं क्या काम है। बैठो इधर बैठो, मैं बताता हूँ। उनको ना सर्च करो, उनका नाम लिखो, सुजैन फातिमा। हाँ ऐसे। हाँ हाँ ऐसे लिख दिया, एंटर मारो ना। सर एंटर भी कर दिया मैंने। अच्छा मुझे एक मिनट पढ़ने दो। एक्टिंग भी की हुई है इन्होंने, होस्टिंग भी की हुई है, मॉडलिंग भी की हुई है। आपको पढ़ना आता है? ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, आपको तो इंग्लिश ही नहीं आती। तो तुम्हारा ख्याल है मैं अनपढ़ हूँ, मैं एवं होश बन गया हूँ, आती है मुझे इंग्लिश। अच्छा तुम ऐसा करो, इन सारे ना रिसर्च को ना उर्दू में ट्रांसलेट करके मुझे दो, इसलिए कि मैंने सवाल भी उर्दू में ही करने होते हैं, मुझे उर्दू में दोगी तो होगा ना प्लीज। जैसे आप मुझे कितना ज़्यादा तंग करते हैं, फिर भी मैं कर देती हूँ, उर्दू में ही करना है। जल्दी करो, वो टाइम नहीं है हमारे पास। कर रही हूँ कर रही हूँ कर रही हूँ। एक्सक्यूज मी, ये मेहमान कदरदान का सेट है। जी जी जी। सुजैन आप आ गई हैं? हाँ जी। आपने तो कल नहीं आना था, आप आज कैसे आ गई हैं? आपका शो किस दिन चलता है? संडे को। तो आज क्या है? आज संडे। संडे सारा तुम्हारा कसूर है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? इसमें मेरा क्या कसूर है? एक्सक्यूज मी, मैं बैठ जाऊँ? नहीं प्लीज प्लीज प्लीज, बैठे बैठे बैठे। सॉरी सॉरी, वो ना आप इधर आए, कन्फ्यूजन होगी तो मेरी। तो देख लिया करें आप, मेहमान को कब बुलाते हैं कब बुलाना है, आप गलत बुला के फिर मुझे कह रहे हैं कि मैं गलत आई हूँ। इसका कसूर है। ये कौन है? ये मेरी सेक्रेटरी कम मैनेजर किरण। कैसी हैं आप? ठीक है ठीक है, बहुत अच्छी। जो मैं फिर कुछ ना कुछ करता हूँ, जाती हूँ। ठीक है ओके, ये सारे कुछ साफ सुथ जी, सब कुछ मैं ठीक करवा देती हूँ। हाँ, प्लीज प्लीज, मेरे पर टाइम बहुत कम करा दो, फिर हम शो जल्दी करेंगे, स्टार्ट करते हैं। हाँ मैं ऐसा करता हूँ, मैं ब्रेक पे जाता हूँ, फिर हम शो स्टार्ट करेंगे। ठीक है ओके। हाज़रीन इसी के साथ लेते हैं मैं एक छोटी सी ब्रेक, और सुजैन के साथ फिर शो स्टार्ट करते हैं, कहीं मत जाइए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट शेख कासिम और आप देख रहे हैं मेहमान का दरदार। आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद है, इंटरनेशनल फेम मॉडल एक्ट्रेस और ये और क्या था हाँ हाँ आप सेट पे बुला रहे मॉडल एक्ट्रेस, मतलब आपको पता ही नहीं मैंने क्या किया? क्योंकि नहीं, वो रिसर्च मेरी कम्प्लीट हुई थी, वो एक पहले आ गई थी आपको, तो वो थोड़े से ना वो थोड़ी सॉरी। आपका संडे तो कल था ना, आज तो नहीं था, इस वजह से कंप्लीट नहीं किया। सॉरी वो काम वो कंप्लीट नहीं, अगर इनकम्प्लीट हो तो आप प्लीज ना माइंड ना कीजिएगा। ठीक है तो हमारे साथ मौजूद है सुजैन फातिमा। सुजैन आपका क्या हाल है? क्या सुजैन आपका नाम? सुजैन 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 एस यू जेड ए आई एन। सुजैन नहीं होता ना? नहीं सुजैन नहीं होता, सुजैन सुजैन ओके कॉल। सुजैन फातिमा आपकी फैमिली में से और कौन कौन इस फील्ड में? मेरी फैमिली में से इस फील्ड में कोई भी नहीं है। आपको पता है मेरा पूरा होने वाला खानदान इस फील्ड में? होने वाला अभी हुआ नहीं है, मेरे बच्चों के बच्चे जो भी आगे से होंगे ना वो इसी फील्ड से ही होंगे। तो शादी हो गई आपकी? जी जी होगी है। बच्चे हैं? जी जी बच्चे भी हैं, मगर वो भी छोटे हैं, वो भी एक्टिंग नहीं कर सकते। तो उनकी फ्यूचर प्लानिंग आप पहले से ही करके बैठे हैं? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, और उनके भी जो बच्चे होंगे ना उनके भी
अभी से कर लिए प्लानिंग। और कुछ पूछना चाह रहे हैं मुझसे? नहीं नहीं, मैं देखो है, सवाल हैं कुछ वैसे ही हैं सवाल, को ऐसा मसला नहीं, प्लीज़ माइंड ना कीजिएगा। आपको पता है शेक्सपियर कौन? नहीं। शेक्सपियर नहीं पता? वैसे पहले मुझे भी नहीं पता था, मेरा कज़न ने फिर मुझे बताया, वो मेरा भाई था। उस टाइम मुझे नहीं आई थी सब समझ, उसने मुझे भाई क्यों कहा, फिर मुझे आज जाके आई है समझ, वो इसलिए भाई कह रहा कि वो तो मेरा भाई था। नहीं, वो इसलिए कि वो भी शेख था ना, शेक्सपियर। अच्छा, तो मैं भी शेख हूँ, शेख कासिम। जब आप कह रहे थे ना, मेरे जहन में ऐसे कुछ था कि ऐसे कुछ होगा, लेकिन मैंने कहा कि मे बी मैं आई एम रॉन्ग। आप फेसबुक पे लाइव चैट करती हैं, ठीक है, बड़ा अच्छा लगता है, आप फैंस के साथ करते हैं, आप ये भी उन्हें कहते प्लीज मुझसे सवाल पूछो, वो सवाल पूछते फिर आप जवाब देती हैं, मगर जब वो आपसे एज का और शादी का सवाल पूछते तो आपको क्यों गुस्सा आ जाता? मैंने शादी का भी 10 दफ़ा जिक्र हुआ, 10 दफ़ा उनको मैंने जवाब दिया है, एज का भी मैंने बताया है, और जो है अगर फिर आप ये भी कहती हैं ना कि कितनी दफ़ा पूछोगे, हर बंदा पूछे, मैंने जवाब दे दिया बस, और मैं कितनी दफ़ा जवाब दूँ? अगर 10 दफ़ा पूछा है तो मैंने एटलीस्ट 2 से 3 दफ़ा बताया, अगर हर चैट में वही सारे सवाल होंगे तो फिर मेरा लाइव आने का फ़ायदा नहीं है। कि आपके फैंस जो उन्हें नंबर दे दिया करते हैं? नंबर अपना कैसे दे सकती हूँ, मुझे बताएं, अगर नंबर दूँगी तो फिर काम करना मुश्किल होगा। अच्छा, तो मेरे शो के थ्रू ना अपनी रियल एज और वो शादी वाले सवाल का जवाब दे दे, हो सकता है मेरा शो ना ये वाली एपिसोड हिट हो जाए। अरे क्या बात है, बताने लगे। आपके कहने पे मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरी जो एज है रियल जो है वो 26 है, और इसका कोई दोराहा नहीं है। और अच्छा, हम हंस रहे हैं? नहीं, आप हंस रहे हैं? मैं सिर्फ वैसे हाथ रखा हूँ। 26। और दूसरा क्या आपने कहा था, बताना चाहो जी? क्या बताऊँ दूसरा? शादी के बारे में, कब आप शादी? अभी मुझे नहीं करनी, और जब करनी होगी तो सबको पता चल जाएगा, छुपाने वाली बात नहीं है, और ऐसा भी अभी कोई इरादा नहीं है शादी का, तो प्लीज़ बार बार ये सवाल मत किया करें। मैंने ना एक आपका इंटरव्यू देखा था कुछ 4 साल पहले, आपने कहना पैनल पे शो किया, तब भी आपने एज यही बताई थी। मैं 26 नहीं बताई है, मान लें तो फिर आप ये ना बोलेंगे मैं दूसरी मीरा हूँ। नहीं, दूसरी मीरा कोई हो भी नहीं सकती। तो वैसे ना मेरी जो है ना ये सेक्रेटरी कम मैनेजर कम ये जो है ये मिस भी हैं। अरे कहाँ गए? हाँ, हाँ, बुलाएं तो सही। हाथ बहुत अच्छा दिख रहा है। किरण प्लीज किरण ही है, मगर वो ना मुझे थोड़ा सा मुश्किल, हाथ नीचे कर ले, आ जाएगी वो। किरण आ जाओ ना, उसका ना दिमाग आ गई शेख साहब, क्या हो गया? हाथ आज देखेंगे, कल तो नहीं बताएंगे क्यों वो हाथ दे रहे हैं मुझे। आज आज प्लीज इनका हाथ देखो, दादा पीले तो नहीं? पीले तो नहीं। हाथ देखो प्लीज, प्लीज अच्छा दिखाएं। कौन सा हाथ दिखाऊं? सीधा आपके हाथ ही है ना, ऐसे आपको क्या लग रहा है? अजल पकड़ लिए मैंने, अब मैंने क्यों नहीं करवाती? ये मैं करवाती, मेरा हाथ वैसे ही सख्त है। के खात। आप जो पूछना चाह रहे हैं ना वो नहीं बताएगी, जो आपको सुनना है। कब होंगे तो नहीं, ठंडी जरूर है, ठंडी आप हो रही हैं यार, मतलब देख के बताओ इनकी शादी कब होगी। हाँ इनका जो है ना बहुत जल्द पीले होने वाले हैं हाथ, और कोई इनकी जिंदगी में रंग डालूंगी पीले हो जाएंगे बहुत, और आपकी जिंदगी में ना कुछ शेख आने वाले। एस क्यू शादी की डेट बताओ। अरे डेट थोड़ी ना लिखी हुई है? नहीं लिखी है। नहीं, ये तो पूरा पढ़ाया हुआ है आपने, कोई इनको हाथ नहीं देखना है, कोई नहीं है शेख, कहाँ से आ गया आप? मुझे जिंदगी के मुतालिक और कुछ बता दो। तो शेख ही आना था, किसी और का नाम नहीं ले सकती थी? बता रही है जिंदगी का और पढ़ाया हुआ। आज का बताओ, आज का क्या बताना? अभी साथ से देखे शेख साहब, आज ये शो ना बड़े गुस्से में छोड़ के जाएंगे, पता है आपको? ऐसा करके मैं नहीं कुछ कुछ आता जाओ। नहीं, मैं सही बता रही हूँ। नहीं आता है, नहीं आता है। आपको गुस्सा आने वाला है? आने वाला है, आने और आप पे उतरने वाला है? नहीं नहीं, मुझ पे थोड़ी ना उतरेगा। अच्छा। तो मैं नहीं आता कुछ, प्लीज जाओ, सीजे भी साथ ले जाओ। मैं नहीं लेके जा रही, कोई आएगा और ले जाएगा। बिजी हूँ बहुत ना, बहुत पढ़ाया हुआ आपने, डिट्टो पढ़ाया हुआ, टांग का अटक जाए। ये आपको पता है मेरे साथ इतनी बुरी से
सिचुएशन हुई थी जब मैं आपकी रिसर्च कर रहा था, वो मैंने ना एक पिक्चर आपकी निकाली थी, थोड़ी ना उसमें आप जब भी थी, मगर मैंने आगे पुरानी पिक्चर देखी थी, उसमें आप इससे भी ज़्यादा हेल्दी थी। इसका मतलब आपने वज़न कम किया है, अभी भी आपका वज़न कम होता जा रहा है। आपने मेरी किसी जोगा बहन की तस्वीर देख ली होगी, मोटापा इतना ज़्यादा नहीं था जितना आप कह रहे हैं। नहीं नहीं ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा। नहीं, आपने कहा कि थोड़ी सी पीछे पुरानी पिक्चर देखी, थोड़ी सी हेल्दी थी, उससे पुरानी देखी वो उससे भी हेल्दी थी, तो नहीं नहीं वो एक एक किलो का होगा ठीक है फर्क। वो मेरे ना वो शाइन आ रही थी ना, तो वो ठीक कर रहा हूं। गेस्ट मैं, आप क्यों मेकअप आप करा रहे हैं, अजीब सा मतलब आपको शो लग रहा है मुझे तो। माथे से शाइन पड़ेगी तो आपकी आंखों में मसला होगा ना। अच्छा, जो शाइन आपको पड़ेगी वो मेरी आंखों में मसला होगा। माथे से शाइन पड़ के ना आपकी आंखों में जाएगी, वो इसलिए कर रहा था। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। व्हाट्सएप पे कुछ आया मैसेज? वो आते रहते हैं मैसेज, पढ़ ले। क्या क्या लिखा? मैं बाद में पढ़ लूँगी, अभी ज़रूरी नहीं है। नहीं, हो सकता कोई इमरजेंसी भी हो सकती है। हाँ, शेख कासिम जमालों का आया है मैसेज। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ऐसा करते, एक इशारों का सेगमेंट खेलते हैं। हाय हाय, कैसे इशारे? वो ऐसे है कि आपके ही जो काम है ना, जो आपने ड्रामों के नाम प्रोजेक्ट्स वगैरह किए हुए हैं, ठीक है, उन्हीं के ही नाम है। मैं आपको एक्ट करूंगा, आपने बताने ये आपका कौन सा वाला। चलो, ये भी टैलेंट आपका देख लेते हैं। जी जी प्लीज़, ये मुझे बताएं ये आपका कौन सा ड्रामा। ये कौन सा ड्रामा है? ये तो लग रहा है कि आप कोशिश कर रहे हैं उड़ने की। परवाज परवाज, ये गुड 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 गुड, ये कूल, वेरी गुड वेरी। अच्छा, ये मुझे बताइए, बड़ी बहू? एग्जैक्टली, बड़ी बहू। छोटे मियाँ? छोटे मियाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, ये बहू? बड़ी बहू, छोटी बहू? नहीं, हाँ कबूल है। अच्छा, हाँ कबूल है, हाँ हाँ कबूल है, ओके। अच्छा, किसको सुना रहे हैं? बहनें ऐसी भी होती हैं। अच्छा, बहनें ऐसी होती हैं, ऐसी देसी गुड़ियाँ, देसी गुड़ियाँ। अच्छा, ये मुझे बताएं, लानत दे रहे हैं क्या? फिर क्या है? पांच सालियाँ कहाँ से ढूंढ के लाए यार? वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे जा रहे हैं। अब सिर्फ दो रह गए, मुझे बताएं ये क्या? जहेज। अच्छा, जहेज, ऐसे लग रहा है घर की सीनरी बना रहे हैं, ये घर रखा, इधर चेयर पड़ी, इधर बेड पड़ा, ये घर है। लास्ट लास्ट लास्ट, कह रहा हूँ सर, स्माइलिंग फेस लग रहा है मुझे थोड़ा सा, ये चांदनी चांदनी। अच्छा, चांदनी चांदनी, हाँ हाँ। चले चल, आगे तीन रॉन्ग हो गए और बाकी पांच ठीक हुए हैं, तो इसका मतलब है बहुत अच्छा राउंड है। जो भी मेरे शो में आता है, ठीक है, गेस्ट, ठीक है, वो या तो गाना गाते हैं या गाना गाने की ना कोशिश करते हैं। और कोई ऐसा गेस्ट आता है जो आपसे गाना गवाने की कोशिश भी करता है? आप मुझे प्लीज़ वो गा दें, हाजी हसन का बड़ा अच्छा गाते हैं, वो सुन वाला, सुन 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 मेरे महबूब, सुन मेरी सांसों से, सुन मेरे गीतों की धुन, तू है कहाँ। मुझे लग रहा था अब तेरे लिए गा रही है, इसलिए मैं सुन रहा था। गलत फहमियाँ इंसान को बहुत हो जाती हैं, डेली 10-12 दफ़ा तो होती हैं ना। इसी के साथ एक ना सिचुएशन सेगमेंट किसके साथ कर लेते हैं। सिचुएशन ये होगी कि ना आप किसी लड़के को पसंद करती हैं, वो थोड़ा हकला है, थोड़ा छोटा है, थोड़ा काला है, वो आपको पसंद है, तो आप अपने भाई को ना मना रही हैं कि वो हाँ करते तो आपकी शादी फिर उसके साथ हो जाए। भाई, आप ऑफिस से आ गए? जी जी, आ गया। ये फूल किसके लिए लाए? ये मैं अपनी बेगम के लिए लाया। ओह अच्छा,
अब भाई अगर आपके पास टाइम हो तो मैं कुछ बात करना चाह रही हूँ। जल्दी बोलो। हाँ जल्दी। अब भाई वो एक्चुअली मुझे एक लड़का पसंद आया है, तो मैं चाह रही थी कि आप एक दफ़ा उससे मिल लेते। और करता क्या वो, करता क्या? अब वो कोई शो करता है किसी चैनल पे, मुझे सही से पता नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा है, दिल का बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा क्या मसला क्या है? थोड़ा सा हकला के बात करता है। कोई इतना वो मसला नहीं, मुझे बताओ उसकी एज क्या है? एज भाई यही कोई 50 साल। अच्छा 50, चलो तुम्हारी एज वाला ही है, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो वो भाई आप मेरी एज भूल कैसे गए? आपको पता है मैं 26 की हूँ, तो फेस डिफरेंस है ना। चलो इतने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके पैसे कितने हैं, कमा लेता भाई? यही कोई मेरे ख्याल में दो तीन लाख। दो तीन हज़ार? दो तीन लाख। तुम्हें अगर पसंद है तो तुम शादी कर लो उसके साथ, जा कर भाग के। भाग के? हाँ हमारा खर्चा बच जाएगा, खर्चा बच जाएगा, भाग जाओ। आप कैसे भाई हैं? मुझे तो फिर आपसे पूछना भी नहीं चाहिए कि मैं शादी कर रही हूँ या नहीं कर रही। जाए, मैंने आपसे बात नहीं करनी। ना पूछो। मैं जा रही हूँ, भाग के उससे शादी उससे जरूर कर लेना, ठीक है? बाय। शादी करना ना भूलना उससे। कर लूंगी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। क्या क्या जा रहे हो? दुस दुस दुस। किसी खूबसूरत अजनबी के सामने बैठे हो और समझ नहीं आ रही हो क्या बात करूं, तो क्या बात करनी चाहिए उससे? मैं तो बात ही नहीं करती। अच्छा आपकी एक फिल्म भी आ रही है, आपने फिल्म भी की है, तो वो कौन सी फिल्म है, उसका क्या नाम है, उसका हीरो कौन है, किसने बनाई है और वो कब आएगी, थोड़ा बताया तुम्हें। फिल्म का नाम है ज़हर इश्क, खालिद खान की है और इंशाल्लाह ताला लोग जल्दी देखें स्क्रीन पर। अच्छा आपकी आँखों की मैं वो थोड़ी तारीफ करना चाह रहा हूँ, अगर आप बुरा ना मनाए तो। हाँ तारीफ। आपकी थोड़ी औरतों वाली आंखें नहीं है? तो मैं आपको क्या लग रही हूँ औरतों वाला? फीमेल नहीं, बाकी औरतों की आंखें कुछ होती हैं अजीबो गरीब होती, मगर आपकी जो सही औरतों वाली आंखें होती हैं, जो बंदियाँ नक्श काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि मैं औरत हूँ इस वजह से मेरे नए नक्श औरतों वाले हैं। मगर बड़ी औरतें होती उनके नहीं होते, आपकी क्यों आंखें ऐसी हैं? अलमिया ने बनाई है। तो आपने इनका रंग क्यों चेंज कर लिया खुद ही? मैंने तो रंग नहीं चेंज किया। इनका रंग चेंज हुआ वो नहीं। पहले मैंने आपको देखा था, आपका रंग और था। आपने ख्वाब में देखा था, तभी तो आपको अजीब से ख्वाब आते हैं। आपने ख्वाब में देखा था तो इस वजह से। ये ब्लूइश है, ग्रीन है, क्या है अंदर? ये ब्लू है। ब्लू है? हाँ। ओके ओके ओके। मैंने कोई कलर चेंज नहीं किया। खानदान में होगा ब्लू कलर? मेरे अबू का था। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। रैपिड फायर सेगमेंट खेल लें। एक लफ्ज़ अच्छा। बोलूँगा, आपके जहन में सुन के कुछ भी आएगा ना। अच्छा। फॉरन बोलो। बीच। अ फिश। बॉलिंग। फ्रेंड्स। चाइनीज। स्वीट। फैसल। फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी फैसल और भी तो हो सकते हैं ना, जिस तरह फैसल आपने बोला कि पहला जो दिमाग में है वो बोलना, तो मैं तो बताऊंगी ना। फैसल कुरैशी याद। फॉरन। फॉरन फॉरन मेकअप नहीं, बाहर वाला फॉरन यार देखा। यूएसए। रोज। अब ये कौन सा रोज है, गुलाब वाला रोज है या डेली वाला रोज है? आपके जहन में रोज। खुशबू। खुशबू। गाय। चुन चुन के आपने रखा है गाय। वो क्या कहते हैं जो गाय खाती है? पिज्जा। पिज्जा नहीं खाती ना, घास खाती है, वो क्या कहते हैं उसको? बिरयान। ओह गॉड। हाँ बिरयानी। मटर। मटर ये कौन सा मटर है? एक ही मटर होता है वो गोल गोल सब्जी वाला मटर। गोश्त मटर। बिजली। मोबाइल। नहीं नहीं ये वो वाली बिजली, आसमानी बिजली वाली। बारिश। हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। बहुत स्लो
रैपिड फायर हो। नहीं, ये आपकी वजह से हुआ। आपने ऐसे ऐसे वर्ड्स चुन के रखे ना जो जिसके दो मायने थे। मैं जो बोलूँ आप बोलो नहीं ये नहीं है, या अगर मैं वो बता रही हूँ कि हो सकता है आप बिल्कुल ऑपोजिट चले जाएँ, ये आपकी गलती है। अच्छा तो बताइए, सुशील खुश मिजाज और चांद का टुकड़ा बहू कहाँ से मिलती है? हमारे घर में पाई जाती है। मैं किसके लिए चाहिए वैसे आपको? आपके तो बच्चे छोटे होंगे। नहीं नहीं नहीं, वो ना मेरा भाई है। शेख साहब, क्या हो गया अब? मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। क्या हुआ है? ये कैंडी क्रश का लेवल है ना, मुझसे हो नहीं रहा, प्लीज पार करा दें। क्या चल रहा है यहाँ पे? एक नहीं नहीं, मैं ये आपकी सेक्रेटरी है, ये क्या कर रही है यहाँ पे? मेरे पास टाइम नहीं है भाई, मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ। बस अभी 8 बजे तक ही होना ना यहाँ पे। अभी नहीं, मैंने जाना है, मैं बस इतना नहीं है। एक मिनट बता, मैं कर रहा हूँ, ऐसे करना। बस ये जब आपको पता है कि इसको यहाँ मिलाना है तो इनको क्यों तंग कर रही हैं आप? यहाँ मुझसे पार नहीं हो रहा, इसलिए आपसे ये जगह भी पार नहीं होगी। अभी मुझे लग रहा है आपसे तो कुछ हो ही नहीं रहा। दें इधर मुझे, मैं सुजैन से करवाती हूँ। सुजैन प्लीज आप, नहीं आप प्लीज आप जाएं यहाँ से, मुझे मेरे पास टाइम नहीं है। मेरी फ्रेंड के साथ शर्ट लगी हुई है, प्लीज ये ला करवा दें, प्लीज पार करवा दें। क्या काम करवा रहे हैं आप मुझसे? कर देना, इतनी प्यारी हैं आप। करवा दिया, बस हो गया? नहीं नहीं, ये भी अच्छे से ना, अच्छे से सारे पार करने, सारे करवाएंगे मुझसे। आप जाएं। ठीक है ठीक है, मैं बाद में कर दूंगा। जल्दी करके, मेरे पास टाइम नहीं, टाइम बहुत कम है मेरे पास, प्लीज जल्दी कर दें। वो देखो तो कोई काम किया करो ना, कर लो कर लो कर लो, मैं कितना मुश्किल है करना, हो ही नहीं रहा। इतनी सी जान है, इतना कुछ पहना हुआ है, ये चल भी पाते हैं? गिर जाती होंगी रास्ते में। नहीं नहीं, ये बस ही गिरी पड़ी है, कान भरे हुए हैं। तो वो एक लास्ट सेगमेंट करते हैं कि को कॉल आ रही है, आती रहे। वो क्या लिखा होता? मुझे बुला रहे हैं शूट के। ओह सॉरी सॉरी, उठा लूं? ठीक है, नहीं नहीं नहीं, उठा लेती हूं। अच्छा अच्छा, लास्ट खेलते हैं, इसका नाम है कटेरा सेगमेंट। इसमें आपने जो बोलना है सच बोलना है। मुझे ये बताएं कि पहले आपने मुझे अपने शो में बुलाया, अजीब अजीब से आपने मुझसे सवाल किए, अब ये मुझे यहाँ खड़े करने का क्या मकसद है आपका? वो ना मैं एक मतलब मेरे जानने वाले लोग देख रहे होंगे, बोलेंगे ये कैसा शो है और मेहमानों के साथ आप क्या कर रहे हैं यार? सच का कटहर है, इसमें आकर बंदा खुद ब खुद सच बोलता है, इसलिए ना वो मैं रख के ना। अच्छा जल्दी, मूड बिल्कुल खराब होने वाला है, इससे पहले कि खराब हो जाए जो पूछना चाह रहे हैं पूछें जल्दी जल्दी। अच्छा आप इंटरव्यूज में, ठीक है मैंने आपके देखो, आप बताती हैं कि आप इस्लामाबाद के करीब किसी शहर में की हैं, यानी इस्लामाबाद के करीब कोई शहर है वहाँ की हैं आप, मगर इस्लामाबाद का जो करीब शहर है उसका नाम नहीं आप बताती, तो क्या नाम है उस शहर का? मैं हूँ चकवाल की। अच्छा हाँ, इस्लामाबाद से वहाँ से 2 घंटे की ड्राइव पे है वो। अच्छा लोग कहते हैं कि आपके मूड स्विंग्स बहुत आते हैं, कभी आप एक सेकंड बहुत खुश होती हैं, हंस रही होती हैं, दूसरे सेकंड बिल्कुल सीरियस हो जाती है बात, ठीक है? नहीं ऐसा नहीं है, मूड स्विंग करता है लेकिन किसी वजह से करता है, ऐसा कोई चीज़ कोई ऐसी बात होगी जिसकी वजह से मेरा मूड ऑफ हो गया और मैं नहीं गुस्सा निकाल रही, तो वो अपने ऊपर थोड़ा सा मैं कंट्रोल करके मैं खामोश हो जाती हूँ। अच्छा आपकी आँखें कुछ बोल रही होती हैं, क्या बोल रही होती है? कभी आपने अपनी आँखों की आवाज़ देखी? अभी मैंने क्या बोला? सुनी ये आपने बोला कि आपके आँख में कुछ फंस गया? नहीं आपने आपने दोनों आँखों से मुझे आँख मारी है। हाँ ऐसा कुछ नहीं, आँखें बोलती हैं, बहुत कुछ बता देती हैं जो आपकी ज़बान नहीं कह सकती। सॉरी ये मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि ना आपने बताया था कि आपको सॉरी का लफ्ज़ नहीं पसंद, तो सॉरी कहना नहीं पसंद या सॉरी सुनना नहीं पसंद? नहीं मैं ये कहती हूँ कि वो नौबत ही ना आए, वो एक स्टेज ही ना आए जिसकी वजह से आपको सॉरी कहना पड़े, तो मैं ये कहती हूँ कि वो गलती ना ही हो तो बेहतर है, इस वजह से सॉरी का अल्फाज मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि इंसान क्या करता है कि 10 दफ़ा गलती करके फिर सॉरी कर देगा, तो वो चीज़ एक दफ़ा बर्दाश्त होती है, 2-3 दफ़ा नाकाबले बर्दाश्त हो जाती है। अच्छा आपने एक दफ़ा कहा हुआ है कि आप पढ़ के खाना बनाती है, तो ये पढ़ लिख कर खाना बनाने का क्या फ़ायदा? ये मैं अब थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, वो इसलिए पढ़ के खाना बनाती हूँ क्योंकि जो डिश होती है वो कहीं लिखी भी होगी या फेसबुक पे होगी या किसी भी साइट पर होगी, तो उसको मैं पढ़ती हूँ कि इसको बनाना कैसे है, फिर मैं खाना बनाती हूँ, तो वो पढ़ के खाना बनाना होता है। किसी को बंदा होता
सब पढ़ के बनाते हैं खाना। जो मुझसे पूछा जाएगा मैं बताऊंगी ना, अब सामने यहाँ खड़ा कर दिया मुझे सच कहना है फिर। अच्छा आपने, आपकी मैंने पिक्चर्स देखी हैं, ठीक, इतनी ज़्यादा पिक्चर्स देखी आपकी, सारी पिक्चर्स अकेली हैं, किसी के साथ नहीं, कोई भी साथ नहीं, आप इतनी अकेले अकेले क्यों हैं? कौन सी साइट देख ली आपने जहाँ मेरी सारी पिक्चर्स हैं? इंस्टाग्राम में बता रहा हूँ ना। इंस्टाग्राम पे? हाँ, अकेले अच्छा लगता है ना मुझे। आप भी अकेले? सूट पे भी मेरी अकेली पिक्चर्स होती हैं। मैं भी अपने आप को अकेले महसूस करता हूँ। मेरा बेगम का नंबर दीजिएगा मुझे। महसूस करता ना हूँ, नहीं महसूस करते मगर है नहीं। अच्छा अब देख रहे हैं ना आप शो, बस ठीक है, पूछ लीजिएगा जब ये घर आएंगे। नहीं नहीं, मेरी उस टाइम पे लाइट गई होती है। लाइट गई भी होती है इसीलिए आप सही, आपने टाइम पकड़ा है ना। शेख साहब, शेख साहब, क्या हो गया? मेरी जूती टूट गई है, जोड़े इसको जल्दी। तुम्हारा इतना मुझे ऐसा लगा मैं घर आई हूँ, किसी शो में नहीं आई, जल्दी जोड़े ना इसको। आराम से जूती को, आपने मुझे कितनी कॉल्स की इसी वजह से मैं शो में आई, वरना मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं है आपके शो में आने के, जो आप हरकतें बीच में करते हैं। प्लीज बस एक मिनट देंगे प्लीज। हेलो या बस मैं पहुंच रही हूँ, पता नहीं मैं कहाँ फंस गई हूँ। नहीं नहीं मैं आ रही हूँ। ओके अब आप जोड़े इसकी जूतियाँ, मैं जा रही हूँ क्योंकि मेरी गाड़ी कोई 15 मिनट से वेट कर रही है, जा रही हूँ मैं आपका शो छोड़। पता नहीं कहाँ आ गई हूँ मैं। ATV, सारे रंग हमारे।